आज हमारी टीम ने रामपुरा जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जाकर बदहाली की पड़ताल की तो चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई है। रामपुर जिले के करीब 18 स्कूलों की इमारतें आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। तो ये है कि छोटे मासूम बच्चे तपती धूप में पढ़ रहे हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सरकार शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरह खर्च कर रही है, पर सवाल ये है कि वो पैसा खर्च कहाँ होता है। रामपुर जनपद के रहने वाले सपा के कदावर नेता मोहम्मद आजम खान ने भले ही शिक्षा का मंदिर जौहर विश्वविद्यालय खोल दिया, पर सपा सरकार में मंत्री होते ही सरकारी स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आज भी जिले के कई सरकारी स्कूल बदहाली की स्थिति में है। इस मामले में टीचरों का कहना है कि हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खुले आसमान में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, अब तो तपती धूप में बच्चे पढ़ते बेहोश हो जाते हैं, कई बार अधिकारी निरीक्षण करके चले जाते हैं पर होता कुछ नहीं है। रामपुर से जान टीवी न्यूज के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। दरअसल क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग जिस हालत में और ये स्कूल इतने सालों से यहाँ पे चल रहा है तो चल ही रहा है। अच्छा, सरकार से ही उम्मीद कर सकते हैं और किससे उम्मीद कर सकते हैं। कितने साल से आप देखती नजर आ रही है स्कूल बिल्डिंग को? करीबन 4-5 साल तो मुझे देखते देखते हो गए। थोड़ी सी बिल्डिंग में तो बनवाना चाहिए और कुछ सर के छत का इंतजाम कर दे तो अच्छा ही है। सरकार कुछ और नहीं कर सकती तो टीने पड़वा दे। जब से हम बैठे हैं जब से बिल्डिंग ही नहीं, यहाँ पे बहुत धूल उड़ती है, कूड़ा पड़ता है। अच्छा, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है? सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, आपके धूप में पढ़ते हो आप ऐसे? जी, धूप में पढ़ते हैं। तो धूप में पढ़ते पढ़ते हमारी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक। निजबा, किस हालात में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आप लोग क्यों कैसे पढ़ रहे हैं ये बताइए। यहाँ पर पूरा खुला हुआ है, यहाँ पर सब बच्चे धूप में बैठते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ भी सिर पर ढकने के लिए नहीं है। बारिश पड़ती है तो स्कूल की छुट्टी होने जाती है। सब परेशानी है, यहीं पे बच्चे बैठे हुए हैं और यहीं पे कूड़ा पड़ता है। हम कहाँ तक रोक लगा लें मोहल्ले वालों पर, या तो फिर लड़ाई करें उनसे बैठ के। और लड़ाई करने से हो भी क्या रहा है, हम हर दिन स्कूल टाइम तक बैठे रहते हैं, उसके बाद में ये लोग कूड़ा डाल देते हैं। अपने आप सफाई करना पड़ जाती है हमें, क्योंकि यहाँ तो वो नहीं है किसी बात के। आप देख सकते हैं यहाँ का, आपको देखिए कूड़े का। इतनी धूप में जल रहे हैं और बच्चों पर असर काफ़ी पड़ रहा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे धूप के कारण। तो इसमें दिखाया जाएगा, जांच कराई जाएगी क्या स्थिति है, कहाँ पर है, सब दिखलाते हैं उसे और जो भी व्यवस्था हो सकती है विभाग से वो करिए।